everyone, welcome back to my channel. It's me Pragya, and in today's video I am going to share with you a huge jewelry collection which are basically earrings. So these earrings are available in Meesho. तो अगर आप लोग कुछ खरीदना चाहते हो इन चीज़ों में से तो आप डेफिनेटली मीशो में जाके खरीद सकते हो. और इन सभी ईयरिंग्स का कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप कोई भी अगर परचेज करना चाहो तो जाके देख सकते हो एक बार. और मैंने रिसेंटली मीशो पे ईयरिंग्स का मतलब ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आई होप आप लोगों को मेरा कलेक्शन पसंद आए. तो मैंने अभी कुछ नई ईयरिंग स्टॉकिंग किया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि प्रोडक्ट कैसा है और आप लोग डिसाइड कर पाओ कि आप लोगों को लेना है या फिर नहीं लेना है. तो मैं तो जितना हो सके उतना रिजनेबल रखने की कोशिश किया है, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो. तो गाइस पहले जो इयररिंग्स है ये है कोरियन डिज़ाइन का, ये क्रिस्टल वाला इयररिंग्स. तो आप देख सकते हो कि ऊपर में ये पूरा क्रिस्टल है बहुत सारा, और नीचे ऐसा चेन्स लगा हुआ है, और ये पीच कलर में है. और इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएगा, और ये मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत ही पसंद आया. और आप देख सकते हो कि मैंने अभी एक पहना हुआ है ये साड़ी के साथ, और ये रेड कलर का तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये पीस भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो रेड तो मैंने खुद के लिए ही रख लिया. और भी है, आप लोगों को मिल जाएगा रेड कलर में. तो ज़्यादा मतलब स्टॉक नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ही मैंने स्टॉकिंग किया है. और अगर आप लोगों को पसंद आए और अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो मैं बाद में स्टॉक इन कर लूँगी. और इसमें ये एक ब्लू कलर है, ये डार्क ब्लू टाइप का कलर है, और मैं सब खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तब तो. और ये है ब्लैक कलर, और इसके नीचे ब्लैक और ग्रे कलर का चेन्स है. और एक ये ऑफ वाइट कलर का है, और एक तो मैंने ये रेड पहना हुआ है. तो अभी तो मेरे पास ये पांच कलर सी है. तो नेक्स्ट मेरे पास ये मेटल का ब्लैक कलर का इयररिंग्स है, और ये इयररिंग्स अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है गाइस. और आप देख सकते हो ये चांद वाली स्टाइल में है, और इसमें 1 2 3 4 लेयर्स है, और नीचे झुमका लगाया हुआ है, और काफ़ी लंबा सा इयररिंग्स है. आप देख सकते हो कि ये मतलब आपको शोल्डर तक आ जाएगा, शोल्डर में टच करेगा, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा है, काफ़ी खूबसूरत सा है. और ये इयररिंग्स भी आप जीन्स सलवार साड़ीज़ के साथ पहन सकते हो. और ऐसे ब्लैक में बहुत सारा डिज़ाइंस है, ये एक दूसरा डिज़ाइन है, ये भी काफ़ी यूनिक सा लगा मुझे. नेक्स्ट मेरे पास ये वाला है, ये भी चांदमली स्टाइल में है, और नीच में इसका एक झुमका लगाया हुआ है. ये झुमका थोड़ा सा बड़ा है, जो पहले वाला मैंने दिखाया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा झुमका है इसमें. और ये सभी वो ब्लैक मेटल का है. और नेक्स्ट मैं आप लोगों को कुछ कुंदन का पीसेस दिखाऊंगी, और ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया. मतलब इस बार जितना भी मेरे पास स्टॉक है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा इसका डिज़ाइन पसंद आया है. और इसमें स्टॉक मेरे पास थोड़ा सा कम है क्योंकि मुझे मिला नहीं था इससे ज़्यादा. तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मैं इसको फिर से जाके स्टॉक इन करूँगी डेफिनेटली. तो आप देख सकते हो कि इसमें कुंदन का वर्क किया हुआ है, और स्टोन्स भी लगाया हुआ है, और नीचे बहुत सारा बीट्स दिया हुआ है. और इसका क्वालिटी गाइस ट्रस्ट मी बहुत ही सही वाला क्वालिटी है. आप पीछे भी देख सकते हो, इसका कलर और क्वालिटी और वर्क जो है बहुत ही सुंदर है. और इसमें एक पीच कलर भी आता है जो अभी मुझे मिल नहीं रहा है. और ये एक नेक्स्ट है पिंक कलर, देन आपको एक ग्रीन कलर मिल जाएगा, ये लाइट ग्रीन कलर है, देन आपको ये ग्रे कलर का इयररिंग्स मिल जाएगा. तो वर्क ओवरऑल सेम ही है, तो नीचे जो बीट्स है उसका कलर सिर्फ अलग है,
और अंदर भी थोड़ा सा वर्क किया हुआ है, उसका भी कलर आपको डिफरेंट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है ये रेड कलर का, और ये भी मेरे साड़ीज के साथ काफ़ी अच्छा लगता। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये पीस ये साड़ी के साथ भी बहुत अच्छे से जा रहा है। तो ये सब आप जीन्स के साथ तो नहीं पहन सकते, लेकिन साड़ीज के साथ और सलवार या फिर कुछ कुर्ता प्लाजो का सेट अगर आप पहन रहे हो, शरारा वगैरह पहन रहे हो, तो उसके साथ ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसमें एक और रेड कलर आता है जो थोड़ा सा डार्क है, ये एक्चुअली मरून कलर है, तो ये कलर भी आपको मिल जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट मेरे पास और एक कुंदन का पीस है, और इसमें भी बहुत सुंदर सा स्टोन लगाया हुआ है, और नीचे इसका बीड्स लगाया हुआ है। और आप देख सकते हो कि मैंने अभी एक चूड़ी पहननी हुई है, ये बैंगल, इस बैंगल में भी ऐसा बीड्स का काम किया हुआ है, और ये भी मीशो पे अवेलेबल है, और वैसा ही काम इसमें भी किया हुआ है, और इसके अंदर ऐसे स्टोन्स लगाया हुआ है, और ये जो कलर है ना ये थोड़ा सा मैट गोल्ड का कलर है, और बहुत ही एलिगेंट सा पीस है, ये साड़ीज के साथ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप जाके खरीद सकते हो, कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसमें मेरे पास ज़्यादा कलर्स तो नहीं है, ये है एक मॉव कलर है, और ये गाइस आप देख सकते हो कि ये रेड कलर में है, डिजाइन सेम है बस वो स्टोन का कलर अलग है। और नेक्स्ट है ये वाला पर्पल कलर, इसमें थोड़ा सा डिजाइन का आपको चेंजेस दिखेगा, लेकिन ओवरऑल लुक जो है वो सेम ही आता है। देन है ये वाला पीस, ये भी पर्पल कलर में है लेकिन डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, मतलब अगर आप टॉप पोर्शन का देखोगे तो ये टॉप पोर्शन का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, बाकी सब सेम ही है। तो गाइस नेक्स्ट है ये गॉर्जियस सा इयररिंग्स, और ये काफ़ी सुंदर है, आप देख सकते हो इसमें मीनाकारी और कुंदन का वर्क है, और क्वालिटी इसका बहुत ही सुंदर है, और नीचे इसका बीड्स लगाया हुआ है, आप देख सकते हो इसका वर्क जो है ना आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, काफ़ी यूनिक सा पीस है और डिज़ाइन भी बहुत ही यूनिक है। और ये सब पेस्टल कलर्स में ही है, मोस्टली ब्राइट कलर्स में नहीं है। तो अगर आप लोगों को पेस्टल कलर्स का इयररिंग्स पसंद है, और पेस्टल कलर्स का आउटफिट अगर आपके पास है और उसके साथ अगर आप पहनना चाहते हो तो ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, काफ़ी सुंदर सा पीस है, और इसमें भी बहुत सारा कलर्स मेरे पास है। ये नेक्स्ट है एक ब्लू कलर का, ये एक्चुअली स्काई ब्लू और ब्लू कलर का मिक्स है, डिजाइन सेम है बस कलर अलग है। नेक्स्ट है ये वाला पीस, और ये ग्रे कलर में है, और नेक्स्ट है ये, और ये एकदम लाइट वाला जो पिंक कलर होता है ना उसके साथ थोड़ा सा ब्लू कलर का मिक्स्ड है। और नेक्स्ट है ये वाला पीस, ये ब्लू और पिंक कलर का है, देख सकते हो, और इसमें एक रेड और ग्रीन कलर भी आता है जो मैंने खुद के लिए रख लिया है, बिकॉज मुझे ये वाला काफ़ी पसंद आया है गाइस, और मैंने रख लिया क्योंकि मुझे पता नहीं कि बाद में जब मैं स्टॉकिंग करने जाऊंगी तो मुझे मिलेगा कि नहीं, तो एक तो मैंने खुद के लिए ही रख लिया। तो गाइस ये था आज का वीडियो, और मैंने जितना स्टॉकिंग किया है वो सब तो मैं एक वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ, तो मैंने कुछ इस वीडियो में दिखाया है और कुछ अगले वीडियो में आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, और इस वीडियो के एंड में मैं गिव अवे अनाउंस करना चाहती हूँ। तो गिव अवे का रूल्स मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, आप लोगों को सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये दोनों ही मेन रूल्स है इस वीडियो के गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आप लोगों में से जो जो गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हो आप ज़रूर जाके मेरे कॉमेंट्स में आपका नाम मतलब फुल नेम और इंस्टा आईडी शेयर करना, क्योंकि अगर आप लोगों में से कोई विनर निकलोगे तो उसको मैं इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट करूंगी, और वो ज़्यादा आसानी होता है गिव अवे के लिए। तो आप जाके मेरे कमेंट्स में आपका फुल नेम और इंस्टा आईडी ज़रूर लिखना।
मैं इस गिव अवे का अनाउंसमेंट मेरे इंस्टाग्राम में करूंगी जब इस वीडियो को 500 लाइक्स मिल जाएगा तब. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे हैप्पी स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड. बाय बाय गाइज़.